बागबानी का नहायत अहम जुज़ मिट्टी है, जिसके बगैर ज़राअत और बागबानी का तसव्वुर अधूरा है। जहाँ पौधे को ऑक्सीजन और धूप की ज़रूरत होती है, वहाँ मिट्टी की भी बराबर अहमियत है, क्योंकि मिट्टी से पौधा न सिर्फ अपनी ग़िज़ा हासिल करता है, बल्कि आंधी और सैलाब की सूरत में मिट्टी को उड़ने और बहने से भी रोकता है। दरख्तों और पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में मिट्टी का नहायत अहम किरदार है। मिट्टी में मौजूद नमकियात और ग़िज़ाई अज़ा पौधे की नशोनुमा पर नहायत अहम असर डालते हैं और पौधे को न सिर्फ शाखों और पत्तों के लिए ज़रूरी अज़ा फ्राहम करते हैं, बल्कि फूल और फल के बनने के लिए भी ज़रूरी अज़ा मुहैया करते हैं। वक्त के साथ पौधा जब इन अज़ा को इस्तेमाल कर लेता है तो मिट्टी में नमकियात कम हो जाते हैं या पीएच की कमी या ज़्यादती की वजह से नमकियात पौधे को मुहैया नहीं हो पाते। ऐसी सूरत में मिट्टी में खादों का इस्तेमाल करके पौधे को ज़रूरी अज़ा पहुँचाए जाते हैं, जिससे पौधा अपनी अच्छी सेहत और नशोनुमा बरकरार रखता है, जबकि खादों का इस्तेमाल ना करने से पौधा कमज़ोर हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। इसके अलावा मिट्टी की अकसाम नहायत अहम हैं, क्योंकि मुख्तलिफ पौधों को मुख्तलिफ मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी की तीन बुनियादी किस्में हैं जो कि बागबानी में इस्तेमाल की जाती हैं, रेतली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और भल मिट्टी। रेतली मिट्टी में खुराक के अज्जा नहायत कम होते हैं और पानी रोकने की सलाहियत बिल्कुल नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल कम पानी वाले पौधों के लिए किया जाता है। चिकनी मिट्टी में खुराक के अज्जा का तनासब बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पौधों को ताकत पूरी मिलती है, जबकि ये पानी की निकासी के लिए नहायत नाकस मिट्टी है और निकासी बिल्कुल नहीं हो पाती, जिससे ये कीचड़ की हालत में आ जाती है और पौधों की जड़ों को गला देती है और पौधा मर जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें ज़्यादा पानी या कीचड़नुमा चिकनी मिट्टी नशोनुमा के लिए चाहिए होती है। भल मिट्टी, घस मिट्टी या भलू मिट्टी, ये मिट्टी नहरों और खालों से हासिल की जाती है जो दरिया के पानी के साथ बहकर आती है। इस मिट्टी में खुराक का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है और निकासी भी बेहतरीन होती है, इसलिए इस मिट्टी को ज़्यादातर पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन बुनियादी किस्में मिट्टी की इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा पीट मॉस, पथरीली मिट्टी और चाक या चूना मिक्स शुदा मिट्टी भी इस्तेमाल की जाती है। तीन बुनियादी किस्में और पीट मॉस सबसे ज़्यादा बागबानी में इस्तेमाल होती है। बागबानी से मुतल्लिक मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाज़िर होंगे अल्फ़ा गार्डन्स पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ शेयर करना ना भूलिएगा।